आज डेट हुआ है, कल छुट्टी हो गई थी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो फिर मैडम ने बोला था आ जाने के लिए, तो आज हम रेडी हो चुके हैं। तो इसका मतलब आज मेरा यूनिवर्सिटी का पहला दिन है। रेडी? अब बस जूते पहनने के लिए। वाइट सॉक्स एंड वाइट शूज, वरना मैं येलो वाले पहन के जाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा सॉक्स वाइट हैं तो शूज़ वाइट करना चाहिए। लॉजिक, सेंसलेस लॉजिक। ओके, अरे फीलिंग मैंने डन। ओके, तो हम रेडी हो चुके हैं और अब चलना है यूनिवर्सिटी। तो चलो चले यूनिवर्सिटी। बैग भी टांग दिया है मैंने, सारे पेपर्स हैं इसमें, और अब चलना है, देखना है क्या सीन्स हैं। चलो जी। पहुंच गए हैं हम यूनिवर्सिटी के बाहर। रेडी हैं इसलिए थोड़े धीरे से बोलना पड़ता है, शर्म आती है यार। खैर, ये यहाँ से टर्न लेंगे थोड़ा सा और यूनिवर्सिटी आ जाएगी। हम वहाँ से आए हैं। हम पहुंच चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी। ये देखो, बहुत ही ज़्यादा सन्नाटे में है यार, यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा ही है। आसपास पेड़ पौधे और बिल्कुल जंगल टाइप का है, बीच में यूनिवर्सिटी। यहाँ पे घर बना दिए गए अपार्टमेंट टाइप में, कोई रहने को अगर किसी को अगर घर वर वो बच्चे वो लोग को चाहिए होता है ना रूम वगैरह, तो यहाँ पे बच्चे रहते हैं। इतना ज़्यादा चल गया कि मेरे पैर दर्द करने लगे। तो ये हम पहुँच गए, अब सीक्रेट व्लॉगिंग होगी, धीरे बोलूँगा और चुपे चुपे रिकॉर्ड करूँगा। एंट्री मारते हैं। तो बिना मास्क के एंट्री नहीं है, जैसा कि हर जगह होता है, बिना मास्क के एंट्री नहीं होती है। यहाँ पे पहले नाम वाम डलवाया है मेरा कि क्या करने आए हो वगैरह वगैरह, और फिर एंट्री है। खैर, मुझे शर्म आ रही है यार मास्क लेने में सब। तो यूनिवर्सिटी पहुँच गया है, मेरे पास तो मास्क है, डैडी और भाई का मास्क घर पे रह गया है, तो मास्क लेना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़, किसी को अपार्टमेंट चाहिए अगर यूनिवर्सिटी के पास, अगर तुम हिमगिरी में पढ़ते हो, तो ये रहे अपार्टमेंट, मतलब रेंट में रूम यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से तुम ले सकते हो जिसको चाहिए। और मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं तो देहरादून के स्टेशन के आसपास ही रूम लूँगा, क्योंकि वहाँ पे ना हर चीज़ मिल जाएगी मुझे, खाने के लिए पहनने के लिए, उड़ने के लिए, घूमने के लिए, सब चीज़ है यहाँ पे ना। बहुत देख रहे हो आसपास सब जंगल है, तो यहाँ पे मुझे मेरी नीड की सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा महंगा भी होगा, इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा देहरादून स्टेशन के आस ही पास कहीं। ये हम लोग अपनी क्लास में आ चुके हैं, मेरे चार क्लासमेट हैं, दो लड़की हैं और दो लड़के हैं, और बस बाकी बाद में बताता हूँ। मतलब चार क्लासमेट्स मिल गए और सीन क्लियर है,
बाकी भी मुझे शर्म आ रही है वीडियो बनाने में। यूनिवर्सिटी का पहला दिन बहुत सही गया। एक क्लास हुई मेरी, उसमें सर ने इंट्रोडक्शन वगैरह लिया और सर ने एक कहानी सुनाई थी। सर ने दो तीन कहानी सुनाई, बहुत बढ़िया बढ़िया। खैर कभी फुर्सत में मैं तुम्हें वो कहानी बताऊँगा। फ़िलहाल सब कुछ हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ घर। अरे यहाँ बताइए क्या नीचे फेंको तब बनाइए। ये है ये।